अक्सर हमें लगता है कहानियाँ कहाँ सच होती हैं, फिल्में मनगढ़ंत होती हैं। साल 1997 में आई फिल्म जुदाई तो आप सबने देखी होगी, जिसमें उर्मिला मातोंडकर को अपनी कंपनी में काम करने वाले शादीशुदा अनिल कपूर से प्यार हो जाता है। वो अनिल कपूर की पत्नी श्रीदेवी से दौलत के बदले अनिल कपूर को मांग लेती है, जिसे श्रीदेवी स्वीकार कर लेती है। लगा था कि ऐसा कहाँ होता है असल जिंदगी में, लेकिन जनाब लोगों ने ये भी सच कर दिखाया है। मामला भोपाल का है। 57 साल की एक सरकारी महिला अफसर को अपने से जूनियर 45 साल के सहकर्मी से इतना प्यार हो गया कि एक दिन वो उसके घर पहुंच गई और उसकी पत्नी से कहा कि मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो और अपना पति मुझे दे दो। ये मामला भोपाल के फैमिली कोर्ट में 17 अप्रैल के बाद काउंसलिंग के लिए आया। इस मैटर की काउंसलिंग कर रही काउंसलर ने इस मामले के बारे में जानकारी दी। काउंसलर ने बताया कि मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग में अहम पद पर पदस्थ महिला सरकारी अफसर के पति की 10 साल पहले मौत हो गई। उसके बाद बहु बेटे से भी उसकी अनबन होने लगी। ऐसे में उनके साथ काम करने वाले 45 साल के एक सहकर्मी से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। कोरोना वायरस के कारण चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन में 25 मार्च से अकेले रहने के दौरान महिला को अपने प्रेमी की कमी खलने लगी, तो 17 अप्रैल को वो प्रेमी के घर ही पहुंच गई। किचन में काम कर रही प्रेमी की पत्नी जब किचन से बाहर कमरे में आई तो हैरान रह गई। महिला सरकारी अफसर ने वहीं अपने प्रेमी की पत्नी से कहा कि वो सारी प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन अपना पति उसे दे दे। ये सुनते ही घर में हंगामा मच गया और फिर महिला के बहु बेटे भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद ये मामला फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग के लिए गया। ये मामला और बिगड़ गया जब पति ने भी अपनी पत्नी से कहा कि वो महिला को अकेले नहीं छोड़ सकते। इस पर पत्नी का कहना है कि 14 साल बाद पति ने उसे धोखा दिया है, वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। फिलहाल दोनों पक्षों को लगातार समझाया जा रहा है और अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। न्यूज डेस्क।